चावल हर किसी के यहाँ बनते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि चावल ज़्यादा बन जाते हैं, अब इनका क्या करें। तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल यानी लेफ्ट ओवर राइस से बनने वाली कुछ इंस्टेंट डिशेस, राइस चीज़ रोल, राइस अप्पे और राइस कटलेट। इन्हें आप ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स या स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए लेफ्ट ओवर राइस की कुछ चटपटी इंस्टेंट टेस्टी डिशेस बनाना शुरू करते हैं। लेफ्ट ओवर राइस चीज़ रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बॉइल्ड राइस लिया है, इसी के साथ में 1 बॉइल्ड पोटैटो जो मैंने सिंपली छिलका हटा के उसको ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून राइस फ्लोर, 2 टेबल स्पून पनीर ये ग्रेटेड है, साथ में 2 टेबल स्पून ग्रेटेड मोजरेला चीज़, क्रस्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड करियंडर लीव्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला लिया है। राइस चीज़ रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले चीज़ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो 2 टेबल स्पून ग्रेटेड पनीर लिया था उसको एक बॉल में ले लिया है, इसी के अंदर जो 2 टेबल स्पून ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ ली थी वो भी इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं, और साथ में इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून क्रस्ड ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। अगर आप ग्रीन चिली अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है। चीज़ के अंदर भी सॉल्ट की क्वांटिटी रहती है, इस वजह से आप सॉल्ट को ऐड करते वक्त उस चीज़ को ध्यान में रखें। अभी हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको सिलेंड्रिकल शेप देते हुए इसको स्मॉल पीसेस में इक्वल कट कर देंगे और इसकी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी स्टफिंग फिल करें तो स्टफिंग भी बिल्कुल इक्वल ही फिल हो पाए। अभी जो मैंने 1 कप बॉइल्ड राइस लिया था उसको मैं एक बड़े बॉल में ले रही हूँ, इसी के अंदर जो मैंने बॉइल्ड ग्रेटेड पोटैटो लिया है वो भी इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखें जब भी आप बॉइल्ड पोटैटो को ग्रेट करें उस समय वो बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। साथ में 3 टेबल स्पून राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, लेकिन राइस फ्लोर से काफ़ी क्रिस्पी बनता है। साथ में 1 टीस्पून क्रस्ड ग्रीन चिली, 2 टेबल स्पून चॉप्ड करियंडर लीव्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ में 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसी के अंदर 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी में 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। अभी हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रह जाता है तो आप उसके अंदर राइस फ्लोर की क्वांटिटी को और थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने जो बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड पोटैटो यूज़ किया है वो कितने वाटरी थे। अभी आप देखिए हमारा ये राइस डो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि ये बिल्कुल भी स्टिक ना करे, और इसको भी हम इक्वली 6 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इसके रोल्स बनाकर तैयार कर देंगे। आप देखिए ये 6 इक्वल रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक राइस रोल को लिया है और उसको हल्का सा प्रेस करते हुए एक कटोरी का शेप बनाकर तैयार कर देंगे। अभी मैं इसके अंदर एक पनीर चीज़ रोल को स्टफ कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से पैक कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से पैक करना ज़रूरी है, अदरवाइज जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो चीज़ इसके अंदर से बाहर निकल आएगी। इसको हल्का सा रोल करते हुए बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है जिसको मैं इसके ऊपर कोट कर रही हूँ, ताकि जब हम इसे डीप फ्राई करें तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हों। बस इसी तरीके से हमें सारे चीज़ रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। राइस चीज़ रोल को डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अभी हम इसके अंदर एक एक करके सारे चीज़ रोल को डीप फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ध्यान रखें आप कंटिन्यूस फ्लेम को मीडियम बनाए रखें, क्योंकि हम एक साथ सारे राइस रोल को एक ही साथ में डीप फ्राई कर रहे हैं। अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो ऐसे में ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूस इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखें और इसे कंटिन्यूस चलाते रहें, ताकि ये चीज़ रोल चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिककर तैयार हो जाएं। आप देखिए इनका कलर बहुत सुंदर आ चुका है। इसको मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी डीप फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। अभी आप देखिए ये बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। हम एक एक करके इनको एक छलनी में बाहर निकाल रहे हैं, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो छलनी के थ्रू बाहर निकल आएगा। क्रिस्पी राइस चीज़ रोल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक को मैं कट करके दिखाती हूँ। ये दिखने में जितने सुंदर हैं उतने ही स्वादिष्ट भी। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। इसमें यूज़ होने वाले इन्ग्रीडियंट्स को हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।
लेफ्ट ओवर राइस अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप लेफ्ट ओवर राइस लिया है। इसी के साथ में 1 कप सेमलीना यानी कि सूजी या रवा कुछ भी ले सकते हैं। 1/4 कप कैप्सिकम, ये स्मॉल पीसेस में कट किया हुआ है। 1/4 कप ग्रेटेड कैरेट, साथ में क्रस्ड ग्रीन चिली, ग्रेटेड जिंजर, फाइनली चॉप्ड करियंडर लीव्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, मस्टर्ड सीड्स, सेसमी सीड, इसी के साथ में 1/2 कप कर्ड लिया है। अभी जो मैंने 1 कप बॉइल्ड राइस लिया था उसको मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लिया है। इसी के साथ में इसी के अंदर 1 कप सूजी भी डाल देंगे, साथ में 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ में जो हमने 1/2 कप दही लिया था, ये फ्रेश दही है इस वजह से मैंने 1/2 कप लिया है। अगर आपका थोड़ा सा भी खट्टा हो तो आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और इसको सिंपली हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने वाटर इसके अंदर ऐड नहीं किया है, अभी मैं इसके अंदर 1/2 कप वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अभी आप देखिए इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे बॉल में निकाल देते हैं। अभी जो हमने स्मॉल पीसेस में कट की हुई कैप्सिकम ली थी वो मैं इस बैटर में ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ में ग्रेटेड कैरेट भी ऐड कर देंगे, साथ में 1 टीस्पून क्रस्ड ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून चॉप्ड करेंडर लीव्स ऐड कर रहे हैं, साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, साथ में 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो आप इसमें से गरम मसाले को स्किप कर सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी को 1/2 कर दें। अभी इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अभी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें 1/2 टीस्पून वाटर ऐड कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट ना हो तो आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, यानी खाने वाला मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक अप्पे पैन को गर्म करने के लिए रखा है जिसके अंदर मैं स्पून की हेल्प से हल्का हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ। अप्पे को देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं ऑयल में राई और सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था उससे हम इन सभी मोल्ड को फिल कर देंगे। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा फिल ना करें ताकि इनको फूलने के लिए भी पर्याप्त स्पेस मिल सके। और अभी हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर करीब 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। अभी लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। आप देखिए हमारे अप्पे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अभी मैं इसको हल्का सा ब्रश की हेल्प से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब हम इसे चेंज करें तो दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिककर तैयार हो पाए। अभी मैं इनको 2 फोक की हेल्प से पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिककर तैयार हो जाएं। आप देखिए इनका कलर बहुत सुंदर आया है। अभी हम इसको भी कवर करके लगभग 1 मिनट के लिए फिर से कुक होने के लिए रख देंगे। अभी लगभग 1 मिनट हो चुका है, हमारे अप्पे बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं 1 स्पून की हेल्प से इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी ये अप्पे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे धनिया की हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें यूज़ होने वाले इन्ग्रीडियंट्स को हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। लेफ्ट ओवर राइस कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बॉइल्ड राइस लिया है। इसी के साथ में 1 मीडियम साइज बॉइल्ड पोटेटो जिसको मैंने छिलका हटाकर ग्रेट कर लिया था, आप चाहें तो सिंपली मैश भी कर सकते हैं। इसी के साथ में 1/4 कप बॉइल्ड पीस, 1/4 कप ग्रेटेड कैरेट, 1/4 कप स्मॉल पीसेस में कट की हुई कैप्सिकम, क्रस्ड ग्रीन चिली, ग्रेटेड जिंजर, चॉप्ड करेंडर लीव्स, 3 टेबल स्पून राइस फ्लोर, साथ में लिया है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला एंड चाट मसाला लिया है। अभी मैं बॉइल्ड राइस को एक बड़े बॉल में ले रही हूँ, साथ में जो बॉइल्ड पोटैटो लिया था वो भी इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, साथ में बॉइल्ड पीस, ग्रेटेड कैरेट, कैप्सिकम, इसी के साथ मिक्स करेंगे 1 टीस्पून क्रस्ड ग्रीन चिली, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, साथ में चॉप्ड करियंडर लीव्स, 1 टीस्पून सॉल्ट,
1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी चिली पाउडर है, साथ में 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कुछ कम कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। इसी के साथ 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर या फिर ग्राम फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथों की हेल्प से हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसी के साथ डो भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको रोल करते हुए कटलेट का शेप बनाकर तैयार कर देंगे। आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, बनाने से पहले हमने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि वो बिल्कुल भी स्टिक ना करे। आप देखिए सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं यहाँ पर कटलेट को ब्रेड क्रम्स से कोट कर रही हूँ और उसको हाथों की हेल्प से हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक कर जाए, ताकि जब हम इसे शैलो फ्राई करें तो ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर स्टिक रहे और ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हो। बस इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स से कोट करके तैयार कर देंगे। आप देखिए सारे कटलेट्स ब्रेड क्रम्स से कोट हो चुके हैं। अभी हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। कटलेट्स को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हम एक एक करके सारे कटलेट्स को ऑयल में डाल देंगे। ध्यान रखें आप फ्लेम को कंटिन्यूस मीडियम बनाए रखें। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कटलेट्स को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कटलेट्स को बीच बीच में हल्का सा चलाते रहें ताकि वो चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं। इसमें मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप देखिए हमारे कटलेट्स एक तरफ से बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं। इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। हम एक फोक की हेल्प से इसको पलट रहे हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो सके। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर से भी बहुत अच्छे से सिक कर तैयार होंगे। अगर आपने गलती से भी हाई फ्लेम कर दिया तो ये ऊपर से बहुत जल्दी इनका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। अभी आप देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको एक एक करके एक छलनी में निकाल लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो छलनी के थ्रू बाहर निकल आएगा। सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे धनिया की हरी चटनी या टोमेटो केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।